यूपी में इलेक्शन चल रहा है, यूपी वाले बाहर दौरा कर रहे हैं, देख लो भैया वोट कौन डालेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल आपसे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के, एक नए अंदाज में। फाइनली इस वीडियो में आप लोग एक चीज मिस करोगे, वो है मेरा चश्मा, क्योंकि वो रह गया है घर पे, रह गया भाई। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं वो है दमन का एरिया, और यानी कि दमन में ही खड़े हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे वापी, और वापी से जाएंगे सिलवासा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को वन गंगा गार्डन दिखाने वाले हैं, जहाँ पे हज़ारों फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो कि पड़ता है यहाँ से सिलवासा में वन गंगा गार्डन। तो वहाँ पे चलने वाले हैं, क्योंकि हम आपको लोकेशन तो नहीं दिखाएंगे, वो गार्डन दिखाएंगे जहाँ पे बॉलीवुड की और भोजपुरी की हज़ारों मूवियाँ शूट होती हैं। तो हमारे साथ में इस समय हैं वही विकास भाई हैं, मोहित है, और ऋतिक भाई अपना है। तो हमें ले चलना है ऋतिक भाई, ठीक है। और जो वहाँ की लोकेशन की वीडियो है वो अपने विकास कुमार VKM चैनल पर आएंगे, विकास कुमार के भाई है ना। लोकेशन की वीडियो इनके चैनल पर आएंगे, विकास कुमार VKM पर, और ब्लॉग हम दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पे फिल्में शूट होती हैं। तो चलने वाले हैं वहाँ से, अभी यहाँ से लेंगे वापी के लिए, वापी से फिर सिलवासा जाएंगे हम लोग। और एक बंदा और हमें ज्वाइन करने वाला है, मुंबई से आया हुआ है, उससे भी आप लोगों को आगे मिलाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली हमें जो ये बस मिली है, क्योंकि हम वापी की बस का इंतजार कर रहे थे, काफ़ी देर हो गया हमें इंतजार करते हुए, आधा घंटा करीब। तो यहाँ पर हमें सिटी बस मिल गई है, और ये जाएगी सिलवासा जहाँ हम लोग को जाना है, सिलवासा स्मार्ट सिटी। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ की सिटी बस का नज़ारे एक बार आप लोगों को दिखाते हैं, और यहाँ से इंटर करते हैं, क्योंकि जाना है तो सिलवासा ही था हम लोग को। तो सीट यहाँ पे ले लिए ये लोग, हम कहाँ पे ले लें सीट भैया, हम ये वाली ले लेते हैं, ठीक मिल गया यार, मतलब वापिस चलने का फ़ायदा ही क्या फिर। तो ये रही कुछ दमन वाली बस। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं वनगंगा गार्डन, यानी कि इसको दादरा गार्डन भी कहते हैं, वनगंगा गार्डन भी। तो यहाँ पे फाइनली एक बहुत ही फेमस मूवी थी उस टाइम की, 90s की मूवी थी मोहरा, जिसका एक गाना था, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुन। अबे कल्लू शांत रहो। तो ऐसा करते हैं, इस मूवी का जो ये गाना था ना कचरे की धार वाला, वो इसी में शूट हुआ था सुनील शेट्टी का, और उनके साथ जो एक्ट्रेस थी उनके साथ में। तो यहाँ पे हो सकता है वो सीन आपको दिखा दें लगा के, वरना ये पूरा गार्डन आप लोग को दिखाने वाले हैं। और काफ़ी सारी यहाँ पे मूवी शूट हुई है, लेकिन मेरे को एक ही आइडिया है, ये वाली भी शूट हुई थी, ठीक है। तो वो लोकेशन भी आप लोग को दिखा देंगे, पूरे गार्डन की खूबसूरती भी आप लोग को दिखाने वाले हैं। और ये एक सिलवासा पड़ता है, ये करीब वापी से पड़ता है 20 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे जगह है, गार्डन काफ़ी अच्छा था घूमने लायक। और यहाँ पे देखो ऋतिक भाई पूरी हेल्प कर रहे हैं यार वीडियो बनवाने में। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है कानपुर बॉयज़ के नाम से, यहाँ पर देखो लिख के आएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, जाओ भाई दमन के और यहाँ के कितने भी वापी के वीडियो देखने हैं, भाई यहीं पर रहते हैं, यहीं के काफ़ी सारे ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग जाकर सपोर्ट करिएगा। और कानपुर के भी काफ़ी ब्लॉग पड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर लाइक कर दे रहे, और जल्दी विजिट करिएगा भाई। मेहनत लगती है वीडियो बनाने पे, तो मेहनत करके इतनी दूर आना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। एक तो जो गार्डन है ना बहुत खूबसूरत है, और एक अलग ही फीलिंग आएगी अभी तो शूटिंग लोकेशन है, तो फिर गजब होने वाला है। और आप लोग कानपुर बॉयज़ बिल्कुल ना भूले, भाई का चैनल है, जब जरूर विजिट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है हमारी तरफ से भाई, अपना भाई यूपी से ही है कानपुर इधर से। तो यहाँ पे हम लोग मिले हैं, फिर से चलेंगे, ये पीछे आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसके अंदर इंटर करना, देखते हैं टिकट वगैरह क्या यहाँ का, और आप लोग किस तरीके से आ सकते हो यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वन गंगा गार्डन लिखा हुआ है, और आगे दादरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी नीचे खिलौनों की दुकान है, और काफ़ी सारे खिलौने मिल भी रहे हैं इधर भी हैं। तो आप लोग देख सकते हो सामने ही हमारे ये है वन गंगा गार्डन। तो धीरे धीरे हम चलते हैं, और नारियल के पेड़ यहाँ पे तो नॉर्मली बात है, आप लोग समंदर के किनारे जब आ जाते हो तब तो आप लोगों को ये चीज़ें तो नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। पर ये कुछ पार्किंग एरिया इसका है, जहाँ पे अभी हम चार लोग आए हुए हैं, और पाँचवा अंदर जो मुंबई से बंदा आया है वो अंदर है, तो उससे भी आप लोग को इसी वीडियो में मिलाते हैं। और ये रहा दादर नगर हवेली, ये एरिया वापिस से भी बिल्कुल अलग पड़ता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने लायक हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ। तो सोचो कितनी दूर हम आ गए दादर नागर हवेली, कभी ये किताबों में पढ़ा करते थे हम, और आज इस लोकेशन पे खड़े हैं बस सिर्फ आप लोगों की बदौलत। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 25 रुपये पर पर्सन है, और हमने चार टिकट करा लिए, वो चल नहीं रहा यार। और यहाँ पर है ये देखो
₹25 है एंट्री फीस, और मंडे क्लोज रहता है तो आप लोग मंडे को ध्यान दीजिए, मंडे को बंद ही रहेगा। और चलिए ये मेन गेट यहाँ पे है, हम कर लेते हैं एंट्री। तो यहाँ से जैसे ही घुसेंगे, सोचो इसमें मूवियाँ शूट होती है भाई, तो लोकेशन तो एकदम तगड़े होगी होगी, ये देख सकते हो। अब किस तरफ हमें चलना है, किस तरफ सोनू घूम रहा है, सोनू नाम है जिसको हम मिलने वाले हैं, उसके पास हम मुंबई जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन यहाँ पे रुकने के बाद वो आज ही वापस घूम जाएगा मुंबई, और हम 2-3 दिन बाद उसी के पास जाएंगे। तो ये रहा कुछ यहाँ का नज़ारा, जैसे एंट्री करते हैं उसके अंदर झील भी बनी हुई है, तो बोटिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हो, हमें लग रहा है आप लोग आगे वो जल के बताएंगे। बैठने के लिए कुछ इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे सीटें बनी हुई हैं, जो कि आप लोग आके ₹25 का टिकट लेके यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और ना कचरे की धार वाला गाना था वो, हमें लग रहा है उस पुल पे शूट हुआ था, उसमें एक पुल दिखाया जाता है उसी पे शूट हुआ था। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और फिर मिलते हैं आप लोग को। तो गाइस अभी चलते चलते हम लोग पहुँच गए हैं उस पुल के पास में, जहाँ पे सीन लिए गए हैं भैया। ये देख सकते हो ये वही पुल है जिस पे शूट हुआ है। ना कचरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम ही तो कितनी सुंदर हो। तो मोहित इस वाले पुल पे लिया गया है या तो वो वाले पुल पे लिया, कन्फ्यूजन हो गया, दोनों एक ही जैसे हैं। अरे एक ही जैसे हैं यार, कौन सी फिल्म बनी थी? ना कजरे की धार, फूल और कांटे का पता नहीं, पर मोहरा तो जो मोहरा रहा है गाना, मोहरा फिल्म थी और ये गाना था उसमें ना कजरे की धार, बड़ा फेमस ही गाना था। और इसके सीन इस वाले पुल पे लिए गए। मैं एक दो लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, देख लेना, आप लोगों को भी कन्फर्म हो जाएंगे। और चलिए सोनू को ढूंढते हैं पहले यार। तो इसके अंदर आके आप लोग बोटिंग वोटिंग कर सकते हो, देखो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। और ब्रिज वो रहा वहाँ पे शूट हुआ था, ना कचरे की धार ना मोतियों का हार। और जो स्टील का मैंने बता रहा है स्ट्रक्चर वगैरह, वो ये बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। बाकी इस गार्डन में भी जगह जगह सब के सब खड़े हुए हैं भाई, नारियल के पेड़, पर वो तो इधर ही निकल गया भाई, और उसने हमें नहीं देखा लेकिन हमने उसको देख लिया है। वो शूटिंग चल रही है वहाँ पर, देखो अभी जो शौक हो जाएगा देख के। और वो सब आके मुंबई में मिल रहे हैं हम लोग, बढ़िया डिस्टर्ब हो जाएगा लौंडा, ये डिस्टर्ब कर दिए, ये देखो ये चल रहा है। कौन सी मूवी भैया शूट हुई थी इधर? मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब पर यार भाई, देखे हो भाई? हाँ, किस नाम से है भैया आपका? मैंने देखा था आप भाई एसके शूटिंग लोकेशन के नाम। अच्छा, से फिल्म शूटिंग लोकेशन आप ओरिजिनल दिखाते हो? हाँ ओरिजिनल फिल्म। कहाँ से हो भाई आप? हम हैं भाई अयोध्या से। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हम मुंबई में रहते हैं। अरे भैया यार इनका चैनल हमने देखा है एसके शूटिंग लोकेशन के नाम से, बड़ा तगड़ी है लोकेशन दिखाते हैं ये, एक्टर एक्टर के घर भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम यूपी वाले यहाँ पे सारे के सारे लोग मिल चुके हैं। तो ये भाई रहते हैं, ये भी यूपी से हैं अपने ऋतिक भाई, तो ये भी यहाँ पे रहते हैं दमन में, और वो सोनू भाई अपने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, तो वो भाई मुंबई में रहता है। और वो हमारे साथ में तो एक लोग कन्नौज से आए हैं, हम आए लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से, और एक आए हैं मलिहाबाद से, तो मतलब काकोरी से। तो काफ़ी लोग बल्क में यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। बताओ दमन द्वीप वाली जगह पे इस तरीके से हम लोगों का मिलना, और मात्र एक यूट्यूब के सहारे, तो काफ़ी अच्छा लगा यार। तो गाइस अभी हम लोग इधर से आए थे, और जैसे कि मैंने बताया था इस गार्डन में काफ़ी भोजपुरी और हिंदी फिल्में शूट हुई हैं। तो यहाँ पर एक और मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे। जी हाँ दोस्तों, उसमें मधु जी हीरोइन थी, और साथ में एक्टर जो थे अपने अजय देवगन जी थे, उनकी पहली फिल्म थी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे ऋतिक भाई खड़े हैं, एक गाना उसमें आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस गाना था उस, मतलब मूवी के सारे गाने थे वो भी फेमस थे, और क्योंकि मूवी ही सुपरहिट थी वो, ठीक है। तो उसमें गाने का नाम था, बोल कुछ इस तरीके से थे कि रुक जाना, मतलब गाना आगे आता है कि अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। गाने की जो स्टार्टिंग होती है, गाने की जो स्टार्टिंग होती है भाई, वो कुछ यहाँ से होती है, जो सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे होंगे इस पे से जो मधु जी हैं वो भागते हुए नीचे की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ अजय देवगन जी खड़े होते हैं, और वही होता है बोल कुछ इस तरीके से के रुक जाना रुक जाना, फिर आगे गाना शुरू होता है। वो इस गार्डन में पूरा शूट होता है कि बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। तो ये देख सकते हो आप लोग मोहरा फिल्म और फूल और कांटे फिल्म और वक्त हमारा है, ठीक है। बहुत सारी फिल्में इसमें शूट हुई हैं, भोजपुरी की कितनी शूट हुई हैं, जाल कोहरा कई सारी। और यहाँ पे अभी चलेंगे इसके अंदर, तो
नहीं उतना बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन जितना भी बड़ा है काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की। ये देख सकते हो सामने का ब्रिज किसी ना किसी फिल्म में तो जरूर दिखाया गया होगा गाने के अंदर, बट मेरे को पता नहीं किस में दिखाया गया, पर देख सकते हो किस तरीके से एक यूनिक ब्रिज कहेंगे ये बना हुआ है, स्टील का पूरा बना हुआ है। और इसके ऊपर से हम जा सकते थे लेकिन पास से उतना अच्छा नहीं दिख पाएगा जितना हम यहाँ से दिखा पा रहे हो। और यहाँ की जो सफाई और जो यहाँ का क्या कहते हैं फिनिशिंग है वो इतनी तगड़ी है कि यार आप लोगों को बता नहीं सकते किस तरीके से हमें यहाँ पे फील हो रहा है आके। लग रहा है एकदम कि हम लोग कहीं यूपी से बाहर आ गए हैं। वो अलग बात है कि यूपी में भी काफ़ी हम लोगों का सातवां अजूबा है ताजमहल, वो अलग काफ़ी चीज़ें अपने यहाँ पे भी हैं, लेकिन जब आप कहीं और भी बाहर जाते हो तो वहाँ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक हाथी बना हुआ है पीतल का पूरा बना हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस तरीके के कुछ पेड़ यहाँ पे भी खड़े हुए हैं और धूप तो इतनी तेज़ है कि भाई बता नहीं सकते आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ पहले हिंदी में सीधा सीधा डूंगर पर जाना सख्त मना है, ऊपर आप लोग देख सकते हो गुजराती में भी यहाँ पे लिखा हुआ, तो कुछ इस तरीके से चेतावनी भी लिखा हुआ है, एक बार गुजराती में एक बार हिंदी में। तो आप लोग देख सकते हो कुछ अलग अलग मतलब एक लैंग्वेज में ही हम लोग आ गए हैं, वरना भोजपुरी और जो अपने यहाँ पर बोली जाती है वो तो भोजपुरी भी हिंदी में ही लिखी जाती है, और भोजपुरी में भी लिखी तो जाती है रहुआ कैसन बानी है, तो पर ज़्यादातर हिंदी में ही लिखते हैं वो, तो वो समझ में अच्छे से आ जाती है, पर ये गुजराती थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। यहाँ पर कछुए देखो बने हैं, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे जो लोकेशन है वो है ही फिल्मों की शूट होने वाली, पर नए हीरो आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड और आउटडोर जाना पसंद करते हैं। नए हीरो हीरोइन उनको अगर रोमांस करना स्विट्ज़रलैंड में ही जाके करेंगे, पहले वाले हीरो जो अपने थे इन्हीं भैया गार्डन में झाड़ वाड़ में कर लेते थे अपना रोमांस जो भी करना था, पर आजकल के हीरो हीरोइन का क्या ही कहना, प्रोड्यूसर के बिल्कुल एकदम मार लेते हैं भाई। तो वैसे अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम खड़े हैं दूसरी साइड, और दूसरी साइड से कुछ इसी तरीके से नज़ारा है। आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर गार्डन वार्डन में एक ही तरीके से भी लोकेशन होती हैं, और उस के पास अभी हम लोग चले थे जो आप लोग स्टील वाला दिख रहा है। और इसके अंदर कौन सी मूवी का था वो कच्ची गली कचरा का, वक्त है हमारा, वक्त हमारा है, वक्त है हमारा, कुछ ऐसे वक्त हमारा है का गाना शूट हुआ था। कच्ची गली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, वो भी इसी गार्डन में गाना शूट हुआ था। और पहले मैं शूटिंग लोकेशन वीडियो बनाता था तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं ये सब लोकेशन आप लोगों को दिखाऊं, तो ब्लॉग के ही अंदर मैंने सारी की सारी आपको दिखा दी हैं और जितना हो सका मैंने बता भी दिया है। और ये अपन सोनू भाई शूट करके अभी निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मैंने गार्डन पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया है, जितना भी गार्डन में था जितनी भी लोकेशन थी लगभग मैंने कुछ का दो का दिखाया हुआ है जो कि मुझे पॉपुलर लगती थी मूवी, तो उनका ये गाना भी मुझे काफ़ी दोनों का पसंद था, ठीक है रुक जाना वाला और ये ना कचे की धार वाला। तो फाइनली यहाँ पे सब कुछ शूट करके सबको ही, और ये देख सकते झोपड़ी में बैठे हुए हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ खाने को नहीं मिलेगा बच्चों के लिए, उधर था इंतजाम आप लोग देख सकते हो, बच्चे अगर फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। वैसे कि यहाँ साला देख रहे पूरा यूपी इकट्ठा है, ओए यूपी बॉयज, हेलो भाई, ये सभी यूपी के बैठे हो, देखो कहाँ आके कहाँ हम लोग क्या बोलते हैं यूपी वाले गुजरात में, यूपी में इलेक्शन चल रहा है, यूपी वाले बाहर दौरा कर रहे हैं, देख लो भैया कहाँ वोट कौन डालेगा। तो ये हमारे मोहित मौर्य माय स्मार्ट ब्लॉगर और कानपुर बॉय ऋतिक भाई और विकास कुमार बीके हम शूटिंग लोकेशन वीडियोज के लिए, और ये इसके शूटिंग लोकेशन भोजपुरी। सभी भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इनवाइट किया अपने चैनल पे। निकलो तुम निकलो, तुम्हें ब्लर मारेंगे हम पहले एडवांस में। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे शूट करके बैठे हुए हैं और कुछ बातें होगी क्योंकि इतनी दूर आके हम सब लोग मिले हैं, तो कुछ यहाँ के भी बारे में बातें होंगी और भी सारी बातें करेंगे, और भी सारे यहाँ के वीडियो आएंगे, ब्लॉग आएंगे, कई जगह विजिट करेंगे हम लोग, तो आप लोग भी इसी तरह से ब्लॉग पर बने रहिएगा। मुझे पता है 100, 200, 300 लोग ही आएंगे, पर हो सकता कुछ ज़्यादा है जाए, वीडियो अगर आप लोग शेयर कर दोगे ठीक है, पर 50K जल्दी से करवाओ यार, 30,000 प्लस हम लोग निकल चुके हैं, जैसे कि 50K होते हैं फिर मीटर वगैरह रखेंगे, आप सभी लोगों के जवाब वहीं पे आके देंगे ठीक है। और चलिए इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन उस दबाकर क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पर अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए फॉलो करिए ठीक है। यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जितनी सर्दी हमने यूपी में नहीं खाई उससे ज़्यादा पसीना मैंने यहाँ पर बहा दिया एक दिन में। तो चलिए इस वीडियो को यही पेंट करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। गुजराती थाली।